तीर्थंकर भगवान अजितनाथ। स्वर्ण के इच्छुक को यदि मणि की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित ही उसके सुख का पार न होगा। कुछ ऐसा ही आज प्रातःकाल नगरवासियों के साथ हुआ। आचार्य स्वरूप गुप्त स्वतः ही तीर्थंकर अजितनाथ के जीवन वृतांत को सभा हेतु संबोधित करने लगे। वे कहते हैं, इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में सीता नदी के किनारे सुसीमा नामक नगरी में तीर्थंकर अजितनाथ का जीव पूर्वभव में विमलवाहन राजा के रूप में राज्य करता था। राजा विमलवाहन अत्यंत प्रभावशाली, गुणवान एवं धर्म पिपासु थे। राज्य करते हुए भी राजा विमलवाहन जानते थे कि आत्मा का स्वभाव विश्व पर राज करने का नहीं, अपितु स्वयं पर राज करने का है। विश्व पर राज तो अनेकों राजाओं ने किया, किंतु वह राज वमन के सिवाय कुछ और नहीं था। अतः किसी अन्य के वमन किए हुए भोजन से कैसे संतुष्टि पूर्वक अपना पेट भरा जा सकता है। इस तरह राजा विमलवाहन धन लक्ष्मी से अधिक ज्ञान लक्ष्मी को बहुमूल्य जानते थे। एक दिन भावी तीर्थंकर आत्मज्ञानी महाराजा विमलवाहन को श्रुतकेवली मुनिराज के दर्शन हुए। उनके दर्शन करने से राजा विमलवाहन को विचार आया, अब कब तक मैं इस संसार में परिभ्रमण करता रहूंगा? प्रजा पर राज्य करने से मैं इनका स्वामी तो अनेक वर्षों से हूं, किंतु आत्मराज्य पर स्वयं का अधिकार कब प्राप्त होगा? अतः शीघ्र ही अब मुझे मोक्षदायिनी भगवती जिन दीक्षा अंगीकार करनी चाहिए। इस तरह राजा विमलवाहन ने वैराग्य पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और वहां से आराधना पूर्वक 5 अनुत्तर में से विजय नामक विमान में अवतरित हुए। देवलोक में 33 सागर की दीर्घ आयु आत्म तत्व का चिंतन करने में मानो ऐसे व्यतीत हो गई जैसे वायु के मंद वेग से राख क्षण मात्र में ही गायब हो जाती है। कषायों की मंदता व आत्म तत्व की विशेष रुचि होने से मन रंच मात्र भी पर पदार्थों में नहीं भटकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भूलोक पर विनीता नगरी, जो कि अयोध्या नगरी का ही अन्य नाम है, वहां पर महाराजा जितशत्रु की महारानी विजयसेना ने ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आश्चर्यकारी मंगल 16 स्वप्न देखे। अवधि ज्ञानी महाराज जितशत्रु से उन स्वप्नों का फल जानकर महारानी व अन्य नगरवासियों को अपार हर्ष हुआ। हे आचार्य, जिनके अवतरण के पूर्व मंगलकारी 16 स्वप्न माता ने देखे, ऐसे बाल तीर्थंकर का जन्म फिर कब हुआ? भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के 50 लाख करोड़ सागरूपम वर्ष बीत जाने के बाद ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को महारानी विजयसेना के गर्भ में भरत क्षेत्र के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का मंगलमय आगमन हुआ। आनंद पूर्वक गर्भकाल के 9 माह बीत गए और माघ शुक्ल दशमी के दिन भरत क्षेत्र के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का जन्म हुआ। मनुष्यों ने क्या, इंद्रों ने भी उत्सव मनाया। इंद्र ने अनेक देवों के साथ बाल तीर्थंकर अजितनाथ का सुमेरु पर्वत पर भव्य अभिषेक किया। सौधर्म इंद्र के सहस्त्र नेत्र अभी भी बाल तीर्थंकर के रूप लावण्य को निहारने के लिए भिक्षु की भांति तरस रहे थे। देवों के सुख का तो पार न था। देव गति के सभी सुख बाल तीर्थंकर के दर्शन मात्र से अमृत के समक्ष सामान्य जल के समान तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। उनकी आयु 72 लाख पूर्व की थी और शरीर की लंबाई 450 धनुष थी। लगभग 36 लाख पूर्व तक उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य किया एवं उनका वर्ण स्वर्ण था और उनका चिन्ह हाथी था एवं उनका कुमार काल 18 लाख पूर्व का था। जिस प्रकार अरुचि पूर्वक किसी काम को करने वाला पुरुष यह जानता है कि निश्चित ही यह कार्य उसके योग्य नहीं है, अतः उचित समय पाकर
वह उस कार्य से निवृत्त हो रुचि युक्त कार्य में अपनी शक्ति लगाता है। उसी प्रकार अजितनाथ की रुचि भी कहाँ इन विषय भोगों में थी। वे जानते थे कि ये इंद्रिय विषय मुझे स्थायी सुख नहीं दे सकते, अतः बचपन से ही वैराग्य उनके हृदय में वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। वैराग्यवंत महाराजा अजितनाथ एक बार राजमहल की छत पर बैठे बैठे प्रकृति की शोभा निहार रहे थे, तभी अचानक एक तारे का आकाश से पतन हो गया। उसे देखकर वे संसार की क्षणभंगुरता का विचार करने लगे। अरे, इस क्षणभंगुर संसार में कुछ भी नित्य और स्थायी नहीं है। विषय भोग तो बिजली की चमक की भांति एक समय में विलीन होने वाले हैं। कितना काल बीत गया, मैं गृहस्थ आश्रम में ही रहकर राजा के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। अब एक समय भी यहां रहना बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं, अतः अब मुझे शीघ्र ही मोक्ष दायिनी भगवत जिन दीक्षा अंगीकार करना चाहिए। अहो, तीर्थंकर के चित्त में कैसा वैराग्य प्रकट हुआ होगा। हां, वे माघ शुक्ल दशमी के दिन राजभोगों को जूठन के समान त्यागते हुए मोक्ष महल की प्राप्ति हेतु दीक्षा रूपी रथ पर आरूढ़ हो गए, और उसी समय देव भी सुप्रभा नामक पालकी लेकर आ पहुंचे। सिद्धों को वंदन कर प्रभु स्वयं दीक्षित हो गए। दीक्षा के प्रसंग से वैरागी होकर 1000 राजाओं ने भी तत्काल ही दीक्षा धारण कर ली। दीक्षित होते ही शुद्ध उपयोग में एकाग्र हो उसी समय सातवां गुण स्थान तथा मना परिय ज्ञान प्रकट हुआ। तत्पश्चात दूसरे दिन ही मुनिराज अजितनाथ ने वन में विहार करके साकेतपुरी अयोध्या में प्रवेश किया। वहां तीर्थंकर मुनिराज को सर्वप्रथम आहार ब्रह्मा महिपाल के द्वारा दिया गया। तत्पश्चात 12 वर्ष की आत्मसाधना एवं शुद्ध उपयोग के बल से पौष शुक्ल 11 के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने तत्क्षण 11.5 योजन विस्तार वाले समभ शरण की रचना की। भगवान अजितनाथ तीर्थंकर के समभ शरण में सिंहसेन आदि 4 ज्ञान के धारी कुल 90 गणधर थे। उस धर्म सभा में कुल 1,00,000 मुनि तथा 3,20,000 आरिकाएं थी, 3,00,000 धर्मात्मा श्रावक तथा 5,00,000 श्राविकाएं थीं। और प्रभु की वाणी में क्या आया। प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया कि यह संपूर्ण विश्व 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इस पूरे विश्व में 6 द्रव्यों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जाता। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये द्रव्य जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत हैं। इस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक वस्तु वाले संपूर्ण विश्व में सारभूत और शरण लेने योग्य तो निज आत्म द्रव्य अर्थात परमात्म स्वरूप अपना आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार लाखों करोड़ों वर्षों तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से भारत भूमि को पवित्र करते हुए आयु के 1 माह शेष रह जाने पर चैत्र शुक्ल पंचमी को सर्व कर्मों का क्षय कर केवली अजितनाथ सम्मेद शिखर पर्वत के सिद्धवर कूट से अन्य 1,000 जीवों के साथ सिद्धालय की ओर गमन कर गए अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त किया। बोलो तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की जय। जिन अजित जीता क्रोध रिपुनिज आत्मा को जान कर निज आत्मा पहचान कर निज आत्मा का ध्यान धर। उत्तम क्षमा की प्राप्ति की बस एक ही है साधना, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना।